गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. सो नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ओके So now, before studying all these meanings and various things of accounting, the first question arises, why do we need, to maintain books of accounts? Okay. क्यों बनाने हैं accounts? क्यों जरूरत है अकाउंटिंग की? ओके, अब अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बिजनेस में देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस कॉल. ओके, फर्स्ट थिंग इज देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ओके, और इवेंट्स. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, द एक्टिविटी विच इज हैपनिंग बिटवीन two different parties for a consideration which is in the form of money. Okay, और event क्या होता है, उसकी output होती है. तो एक साल में, एक दिन में, एक month में बहुत सारे ऐसे business transactions और ऐसे events हो रहे हैं business में जो हमारे business को affect करते हैं. तो उन सब को record करने के लिए हमें हमें एक ऐसा space चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, account. अकाउंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अकाउंट इज द समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर स्पेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस व्हिच ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ वन इंडिविजुअल आर बीइंग रिकॉर्डेड. ओके, तो उसे अकाउंट कहते हैं. तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है. दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास, वी हैव to record the quantitative transactions. Okay. तो monetary terms में लेन देन हो रहा है आपका, तो उन सारी transactions का, quantitative transactions का कहीं तो आप record करोगे. तीसरा क्या है, हमें In order to know the financial status of business, i.e. we need to know assets and liabilities available with an organization. के एक particular day पे end of the year आपके पास क्या आपकी financial position है, मतलब आपकी assets और liabilities का क्या status है, उसको पता करना. चौथा चीज़ क्या है कि in order to know profit and loss situation, okay, and in order to know the quality of assets and liabilities. Okay, and sixth is in order to present documents to represent case of company.
एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। कि सबसे पहले बात है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रेगुलरली ऑन डेली बेसिस, एंड वी नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। एंड सेकंड इज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन। क्वालिटेटिव का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, क्वालिटेटिव को मेजर नहीं कर सकते हो आप। क्वांटिटेटिव को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, तो हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये भी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब हमारे एसेट्स लायबिलिटीज कितने हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है उनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छे एसेट्स हैं या बुरे एसेट्स हैं, अच्छी लायबिलिटीज हैं या बुरी लायबिलिटीज हैं। अच्छे एसेट मतलब आपकी लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करके रखी है, और अच्छी लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि आपको कितनी कम लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है, मतलब कितना लंबा टाइम आपके पास है उन लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने का। ओके, और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन भी देखनी है कि आपकी फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर रही है या लॉसेस सफ़र कर रही है। तो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कितने, या लॉसेस सफ़र कर रही है तो व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ दैट। ओके, एंड देन यू हैव टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड्स बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट देम व्हेन एवर सम लीगल रिक्वायरमेंट्स आर देयर। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू प्रोवाइड दीज डॉक्यूमेंट्स सो दैट यू कैन प्रेजेंट यूर केस दैट ओके वी हैव डन ऑल थिंग्स इन अ लीगल वे एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट्स विच सब्सटेंशिएट आर क्लेम्स दैट द थिंग्स आर बींग डन इन अ लीगल वे। तो ये है आपके पास आपका रीजन्स। तो इससे हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं कि अकाउंटिंग इज दी आर्ट ऑफ मेंटेनिंग, द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग और यू कैन से रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, business transactions, summarizing, okay, business transactions, transactions in monetary terms, monetary or quantitative terms, okay। तो ये आपके पास है इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, दस हेल्प्स अस इन इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कंक्लूडिंग व्हाट decisions need to be taken। Okay, तो ये आपके पास है। Okay, तो interpret करना, analyze करना, conclude करना, ये आपके पास है। Okay, कि ये कुछ आप करोगे तो मतलब यहाँ पे क्या है, this is the art of recording। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देन समराइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड बिजनेस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स, दस एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कंक्लूडिंग फाइनली व्हाट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन एंड व्हाट डिसीजन शुड नॉट बी टेकन इन द सिनेरियो इन विच वी आर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, तो ये सबसे पहला है। तो अकाउंटिंग सबसे पहली चीज़ क्या है, एक तो आर्ट है और क्या है, साइंस है हमारे लिए। ओके, तो पहला फीचर क्या है, इट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, साइंस तो ऐसे है कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कि आपको डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे करने हैं, वो आपको क्या कहते हैं, आपके पास एक साइंटिफिक फॉर्मूला डिफाइंड है ओके, कि जो क्वांटिटेटिव आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं हाउ दे नीड टू बी मेंटेन, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दी ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड। और ये रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसे क्या कह रहे हैं हम, आर्ट कह रहे हैं, दैट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन, दैट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग दैम इंटू रियल टर्म्स, इंटू नॉमिनल टर्म्स, इंटू पर्सनल टर्म्स, मतलब किसी को खर्चा कह देना, किसी को इनकम कहना, किसी को एसेट बोलना, किसी को इंडिविजुअल से कोरिलेट करना, ये एक आर्ट है। मतलब इस आर्ट को आपने डिफाइन कर दिया कि किस कोई आपने क्लासिफिकेशन की एक आर्ट बता दी, रिकॉर्डिंग की एक आर्ट बता दी है, एंड देन यू हैव समराइज्ड देम टुगेदर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन यू हैव ट्रीटेड देम ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कि एक साइंटिफिक फार्मूला है आपके पास इस्टेब्लिश, उस साइंटिफिक फार्मूले के हिसाब से आप जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ट्रीट करते हो। तो ये बोथ आर्ट है एज वेल एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग एंड क्लासीफाइंग, सॉरी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग है, और फिर उसके बाद जो आपके प्रिंसिपल्स हैं साइंस कैसे है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स ओके। प्रिंसिपल्स जो बताते हैं, देर आर सर्टेन बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ टेलिंग अस हाउ टू ट्रीट ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ए क्वान्टिटेटिव ट्रांजेक्शन, मतलब डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करना है, या एस जो आपके पास स्टॉक है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो देर आर सर्टेन गाइडलाइंस बींग डिफाइंड, सर्टेन बॉडी ऑफ नॉलेज इज देयर विच इज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। सो there is the art of recording, classifying, summarizing, and there is a science based on certain rules, regulations, principles and guidelines to implement those for getting the required results okay। to ye aapke paas both science as well as art hai okay। to ye accounting ko hum kabhi kehte hain both art as well as science। another important hai ki yahan pe aap sirf financial, only financial ट्रांजेक्शन्स आर डेल्ट ओके। दी अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इज दैट यू आर ओनली गोइंग टू डील विद द क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स, यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द क्वालिटेटिव। आपकी इमोशंस, रिलेशंस, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है जी। मतलब के इंडियन रेलवेज को जो ये लेबर है इन दिनों में, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ का खर्चा करना पड़ना था ओके। अब उनको कितना दुख हो रहा है, कितना सुख हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा 100 करोड़ लग जाना था इसको मूव करने के लिए, उसी की ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे कि उसमें हमने कितना खर्चा, कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनी हमने फ्री राइड दी, कितनी नहीं दी, दैट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। बट लेबर को आसानी हुई जाने में, नहीं हुई, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो पैदल, वो दे आर वॉकिंग 100 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स और 1000 किलोमीटर्स, दैट इज़ इमेटीरियल इन अकाउंटिंग टर्म्स। इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन से कंसर्न है। That is the important point which is being taken into consideration while recording the business transactions in the books of accounts. So that is recorded, only those transactions are recorded which are quantifying themselves. जो quantify नहीं कर पा रही हैं, जो money terms में measure नहीं होती हैं, उन transactions को आप नहीं record करोगे books of accounts में okay। Another important feature is
aspect or characteristic is, we have discussed this. Then third is classifying. Definition ही बोल देगा हम, okay? तो recording, classifying, summarizing, monitoring. तो हमने monitoring कर लिया, ये आठ हो गया हमारे पास. अब हमारे पास आ गया classifying, okay? So classifying, we are grouping these transactions. Okay, classifying means grouping of all transactions of similar nature together. Okay, तो एक तरह की नेचर वाले जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको हम ग्रुप कर रहे हैं. ओके, एंड दीज आर बीइंग सेपरेट अकाउंट्स इनके क्रिएट किए जाएंगे एंड ऑल दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन वन बिग बुक दैट इज नोन एज लेजर. तो मतलब आपने सेम टाइप के अकाउंट्स, सेम टाइप के एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए, ग्रुपिंग कर दी, उनका डिफरेंट अकाउंट्स में आपने शो कर दिया और ये सारे अकाउंट्स एक मेन बुक में शो किए जाएंगे जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेजर कह रहे हैं. ओके, तो आपने क्या किया कि जो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है वो अलग कर दी, जो कैश वाली ट्रांजेक्शन थी वो अलग कर दी, जो सेल वाली ट्रांजेक्शन थी वो अलग कर दी, परचेज वाली ट्रांजेक्शन अलग कर दी. इस तरह से आपने जो थे अकाउंट्स बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स बना दिए, सैलरी से रिलेटेड सैलरी में चले गए, वेजेस से रिलेटेड वेजेस में चले गए, कमीशन से रिलेटेड कमीशन के अकाउंट में चले गए. तो सारों को जो सेम नेचर के एलिमेंट्स थे उनको आपने ग्रुप्स कर में बांट दिया और उनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना दिए और उन अकाउंट्स को सारों को एक जगह में पोस्टिंग कर दी. वो कहाँ की आपने पोस्टिंग, लेजर में कर दी और उस लेजर को हम क्या बोलते हैं, मेन बुक ऑफ एंट्री कहते हैं. तो दूसरा काम ये कहाँ पे है, क्लासिफाइंग मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर. मतलब कईयों को सैलरी बांटी तो वो सैलरी में इकट्ठे हो गए, वेजेस बांटी तो वेजेस में, जिसको आपने कमीशन दी तो कमीशन में इकट्ठे हो गए. तो ये सिमिलर नेचर में सारी ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर था ग्रुप्ड एट वन लेवल एंड दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन इज. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज समराइजिंग. ओके, नाउ वी आर समराइजिंग ऑल दीज इनटू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस. ओके, तो पहले आपने क्या किया कि आपने ट्रांजेक्शंस थी, फिर आपने उसके क्या बनाए, जर्नल्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट जर्नल बनाए. एक कैश का ट्रांजेक्शन आपने बनाई. ओके, तो आपने क्या किया, उसके जर्नल एंट्री बनाई. तो आपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए, कैश बुक बनाई आपने, उसकी परचेज बुक बनाई, सेल्स बुक बनाई या परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक बनाई. ओके, फिर आपने उसकी बीआर बुक, बीपी बुक या जनरल प्रॉपर बनाया. तो आपने दो तरीके से आपने एस्पेक्ट किए, एक तो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड की. ट्रांजेक्शन्स का जब आपने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग के टाइम हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग इज बेसिकली जर्नल. ओके, तो आपने समराइज करना शुरू कर दिया. अब समराइज जब, या तो आपके पास सिंपल जर्नल हो, मतलब कोई आपने डिफरेंट डिफरेंट वो नहीं किए हैं, समराइजेशन नहीं किया, या फिर आपने इस स्पेस को क्या किया, पहले तो ट्रांजैक्शंस किया आपकी ट्रांजैक्शंस. तो ट्रांजैक्शंस के बाद दूसरा स्टेप आप जाते हो जर्नल में और फिर जर्नल से आपके पास स्टेप आता है लेजर का और लेजर के बाद आप जाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप जाते हो बैलेंस में. ओके, तो ये आपके पास साइकिल आता है. फाइन, फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फिर आपके पास ट्रांजेक्शन आता है. तो लेजर से आप लेजर के बाद एक और स्टेप किया जाता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं. ट्रायल
अगर आपने जर्नल नहीं बनाया तो आप क्या बना रहे हो? आप क्या बना रहे हो? कैश बुक। ओके, फिर आप क्या बना रहे हो? परचेज बुक। फिर आप क्या बना रहे हो? सेल्स बुक। फिर क्या बना रहे हो? परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉफिट। तो आप ये कुछ बना रहे हो, मतलब आपने क्या किया? ट्रांजैक्शन की सबसे पहली स्टेज, नंबर वन। नंबर टू क्या था आपके पास? जर्नल। इसके बाद आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज को क्या कहते हैं? जर्नल बोलते हैं। आपने रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज जर्नल में नहीं की, आपने क्या किया? स्पेशल बुक्स ऑफ एंट्रीज बना दी। इन सब को कहते हैं हम स्पेशल बुक्स ऑफ एंट्रीज। दीज आर स्पेशल बुक्स ऑफ एंट्रीज। ओके, स्पेशल बुक्स ऑफ एंट्रीज बना दी। उसमें आपने सबसे पहले काम क्या किया? कैश बुक बनाई, दूसरा परचेज बुक बनाई, तीसरा सेल्स बुक बनाई, या फिर आपने परचेज रिटर्न, जो आपने परचेज किया था आपका सामान प्रॉपर नहीं है आपने उसे वापस कर दिया, जो सेल आपने की थी उसमें से कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थे वो वापस आ गए आपके पास, तो सेल बुक। और जो इन सब में नहीं गया वो कहाँ गया? जनरल प्रॉपर में गया, मतलब ऑल दी एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऑल दी ओपनिंग एंट्रीज एंड ऑल द ऑल द एंट्रीज विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी बिजनेस आर गोइंग इन टू जनरल प्रॉपर। और वहाँ से पोस्टिंग कहाँ हुई? लेजर में। दिस इज द थर्ड स्टेज। अब पोस्टिंग हो गई, आपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना दिए। पोस्टिंग के बाद आपने क्या किया? लेजर तक पहुँच गए, ट्रायल बैलेंस तक पहुँच गए, दैट इज द फोर्थ स्टेज। ओके, दैट इज व्हाट द दैट इज द समरी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड देन यू आर रीचिंग इन अप टू फिफ्थ स्टेज एंड देन सिक्स्थ स्टेज। सो दिस इज द साइकिल, दिस इज हाउ यू समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, तो यहाँ आप फाइनेंशियल पोजिशन, मतलब फाइनेंशियल पोजिशन ढूंढते हो। ओके, फाइनेंशियल पोजिशन मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का आप एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हो कि कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं आपके पास और किस क्वालिटी के एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने की कोशिश करते हो। नेट प्रॉफिट के आपने जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को एडजस्ट किया तो आपके पास क्या प्रॉफिट क्या लॉस आया है, सो दैट यू कैन कैरी आउट योर बिजनेस एक्टिविटीज इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ये जो पूरा आस्पेक्ट है इसे क्या कहते हैं हम? समराइजेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो ये हमारे पास है एक और आस्पेक्ट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सारे को हमने समराइज करके प्रेजेंट कर दिया तो हम इसके बाद क्या करते हैं? एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है जी, कि हम एनालिसिस करते हैं पूरे के पूरे का कि कैसे एसेट्स हैं, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना होना चाहिए था, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ कहाँ हमारी वीकनेस रही, कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ्स हुई, ये सारा एनालाइज करते हैं हम। फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं, हाउ द बिजनेस इज बीइंग परफॉर्मिंग, वेयर द लैकुनास आर लेफ्ट, वेयर वी हैव टू मेक द चेंजेस, एवरी अदर थिंग दैट इज व्हाट द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इज देयर। एंड फाइनली वी आर कंक्लूडिंग एज टू व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट डिसीजन। ओके, के आने वाले टाइम के लिए हम क्या स्ट्रेटजी बना के कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्या कंक्लूजन होगा कि मतलब ये करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है और कितनी स्ट्रेंथ से करना है, वो सारा कंक्लूड करके हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल दैट इज़ कंक्लूड।
आपने रिजल्ट्स को एनालाइज इंटरप्रेट करके आपने उनको कम्युनिकेट किया एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कम्युनिकेशन यू हैव कंक्लूडेड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन एंड व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड दैट इज व्हाट द कंक्लूजन इज. So that is what the meaning and objective of accounting is. Meaning of the accounting, that it is the process of your recording, classifying and summarizing. It is the process of recording, then classifying and summarizing the business transactions which are measured in terms of money, okay? And after doing all that, you need to do the analysis or interpretation, fine, and then communicating and concluding the results of the business activity or the event which has happened in a business organization. That is what the business, that is what the job of accounting is. So the job of accounting is recording, classifying, summarizing the business transactions which are quantified in terms of money, and they have to be analyzed or interpreted, okay, and then the communication of the results has to be done so that a proper conclusion can be taken up to plan for the further action and implement that further action too, okay. So that is what the meaning of accounting is. Fine. Now moving over to the next aspect, what is the objective of the accounting? Okay. So you have done the meaning. Now is the another aspect, which is objectives of accounting. Okay, so what are the objectives? First of all is to maintain systematic record of all transactions. Okay. तो पहला जॉब अकाउंटिंग का क्या है कि डेली बेसिस पे आप उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे सिस्टमेटिकली, ओके. अगर अनसिस्टमेटिक हुआ तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने बिजनेस में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके बिजनेस के ऊपर. तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन का क्या है, करने का रीज़न क्या है कि दैट यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो दैट यू कैन इजीली नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन एनालाइज द एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन एंड कैन ईजिली फाइंड आउट द एंड रिजल्ट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन and can easily communicate to the parties concerned where we have been failing and where the problems are. So all that can be easily, the benefits and the problems can easily be communicated. So it is very important to maintain a systematic record of each and every transaction which has been done in the books of accounts. Okay, the first basic objective. The second objective is to calculate profit and loss. So the another aim of maintaining books of accounts is that we have to understand that how much of the profits or losses we have suffered, profits we have earned or losses we have suffered due to the business transactions which we are carrying on in a business organization. Okay.
तो जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उससे क्या कमाया है और क्या लूज किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाई वी आर सफरिंग द लॉसेस और हाउ वी कैन एक्सपेंड और इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव व्हाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन. ओके, another is to know the exact reason. Okay, to calculate. Third is to know reasons of earning profits, comma, suffering. So this we have discussed earlier. That what is the reason how we have earned this much of the profit and how, why not more profit or why we have earned less amount of profit. Okay, and in case of losses, why are we suffering losses, what are the reasons and how can we overcome these losses. So that is the reason of maintaining the books of accounts. Okay, another is the another reason of maintaining is to know the financial position of business. Financial position means situation of assets oblique liabilities in a business. Or we can say to understand quality of assets and liability. Okay, so better the quality of assets, better will be the financial position. The poorer the quality of assets, poorer will be the financial position of the बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे कई चीज़ें आपकी इफेक्ट हो जाती है पुअर क्वालिटी से. सो ये आपके पास है कि हमने फाइनेंशियल पोजीशन समझनी है कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या समझते हो कि जैसे डेटर्स हैं तो डेटर्स कितने टाइम में हम उनसे पैसा रिकवर कर लेंगे, कितने अच्छे एसेट्स हैं, मतलब कितनी जल्दी हम पैसा रिकवर कर रहे हैं अपने एसेट्स से, स्टॉक को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेटर्स से बीआर से कितनी जल्दी हमें पैसा मिल रहा है, और लाइबिलिटीज़ हमारे लिए अच्छी ऐसी हैं कि हमें कितना लंबा पेमेंट टाइम पीरियड है कि हमने क्रेडिटर को कितनी देर बाद देना है, या बिल्स पेबल की हमने पेमेंट कब करनी है. तो जितना डिले हमारे पास होगा अवेलेबल, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी के वो लाइबिलिटीज़ है, और जितनी जल्दी हम एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे उतने अच्छे क्वालिटी के एसेट्स हैं. तो वो सिचुएशन समझने के लिए भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ available with the business organization and how easily those assets and liabilities can help us in raising funds for expansion and growth programs. Okay, another is to ascertain the progress of the business. तो पिछले 2-3 साल में बिज़नेस कितना ग्रो किया, कितना एक्सपेंड किया, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, कहाँ तक हम उस बिज़नेस को पहुँच सके हैं, तो ये असर्टेन करने के लिए भी हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. तो ये है. फिर हमारे पास है टू डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड. अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा. अब ट्रायल बैलेंस से हम एरर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं.
कि हमने कोई ऐसे एरर तो नहीं कर दिया जो ऑब्वियस से एरर हैं जिसके कारण आपका डेबिट क्रेडिट में मिसमैच हो रहा है, या मिसमैच नहीं हो रहा है बट दे आर इक्वल, बट दी अमाउंट वुड हैव बीन एंटर्ड, सम अमाउंट वुड हैव बीन एंटर्ड इन अदर अकाउंट बट दैट हैज़ बीन रॉन्गली डन इन सम अदर अकाउंट बट द बैलेंस इज टर्न आउट टू बी सेम। तो उससे क्या है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से हमें एरर्स और फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करने में ईजीनेस होती है, मतलब वी कैन ईजिली फाइंड आउट दोज एरर्स और वी कैन ईजिली फाइंड आउट द फ्रॉड्स विच वुड हैव हैपन्ड और विच आर गोइंग टू हैपन ओके इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी कैन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू कंट्रोल दोज फ्रॉड्स और एरर्स इन फ्यूचर, एंड ऑल्सो चार्ज द इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर controlling these frauds and errors with certain penalties so that others also get the lesson that if we are going to do such and such thing in the organization then we will be also suffering because of those wrongdoings of others in that business organization. So ye ek important aspect hai to calculate the to find out the errors and frauds which the business which the individuals might have done in a business organization, उन errors को frauds को ढूंढने के लिए भी हमें books of accounts help करती है, accounting हमें help करती है, because यहाँ पर आपके पास systematic record है, उस systematic record के through आप check कर सकते हो कौन सी transaction missing है और कौन सी transactions available हैं, and that is helping you find out the errors or the frauds being committed in a business organization. And then there is to provide information to other parties. यहाँ पे अदर पार्टीज का मतलब है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स को, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्चर्स को सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमेटिक वे आर बीइंग मेंटेन्ड, दैट विल हेल्प अस इन डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन अमंग्स वेरियस पार्टीज हू आर इंटरेस्टेड इन दैट इंफॉर्मेशन टू डू रिसर्च ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स. एम्प्लॉयज माइट बी इंटरेस्टेड टू गेट मोर सैलरी बाय सीइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके, एंड द अदर इंडिविजुअल्स आर देयर लाइक गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड in collecting tax, so they are more interested in finding out how much profits have been earned by the business organization. Okay, academicians want to learn about the business model through which the business activities are being carried on. So in this way there are various parties who are interested in the business organization, the books of accounts. So in order to provide them the information, we are maintaining books of account in a very systematic manner, and that is what the objectives of accounting are. Okay.